नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी के अधिकारी सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान रांची सहित पूरे राज्य में किसी तरह की विधि व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। पूरे राज्य में भी जिला बल के अलावा जैप आईआरबी के जवानों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ईडी के अधिकारियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। बता दें कि मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला प्रकरण में पूछताछ जो है वो प्रस्तावित है। सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने छानबीन की थी। ईडी ने अनुसंधान के क्रम में ही बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। भानु प्रताप प्रसाद के ठिकानों से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल भी जब्त किया था। भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से बरामद दस्तावेज व मोबाइल में मिले डिजिटल साक्ष्य की समीक्षा के क्रम में ईडी को मुख्यमंत्री की भूमिका की जाँच की आवश्यकता महसूस हुई है। बता दें कि ईडी का आरोप है कि झारखंड में जमीन माफिया के जरिए भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के लिए एक बड़ा रैकेट चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है। वह राज्य सामाजिक कल्याण विभाग की के डायरेक्टर व रांची के डिप्टी कमिश्नर का पद भी संभाल चुके हैं। वहीं पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश भी इसी मामले को लेकर जेल में है। मुख्यमंत्री की भूमिका को जाँचने के लिए ही ईडी ने उन्हें पूर्व में साथ समन किया, लेकिन वे ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए और ईडी को पत्र लिखकर केंद्र के इशारे पर काम करने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था। ईडी ने उन्हें उनके पत्र का जवाब सह आठवां समन दिया और बताया कि ईडी का समन संवैधानिक है, वे खुद आएंगे या ईडी को बुलाएंगे स्पष्ट करें। ईडी के कड़े पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी को पूछताछ का समय दिया। सीएम ने सीएम आवास में ही पूछताछ के लिए सहमति जताई थी, जिसके बाद आज उनसे पूछताछ हो रही है। मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।